Wow. हेलो जी, आए हाय 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 भाई, वेलकम हो गया तुम सबका डक्की भाई कार्टून सीरीज के अंदर। ये वीडियो तुम लोगों ने एंड तक देखनी है भाई, चस आ जानी है तुम लोगों को, और फिर कमेंट करके बताना भी है कि मजा आया कि नहीं। आए हाय 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 हाय, चलो फटाफट कहानी शुरू करते हैं भाई। डक्की भाई ने बनाया जायंट बर्गर। लैलपुर शहर के करीब एक ही गाँव था, जहां एक से बढ़कर एक खाने वाले फूड लवर लोग रहते थे। वहां एक दिन सलमान नाम के एक आदमी ने अपना एक ढाबा खोला। आइए भाई आइए, आज ही हमारे स्पाइसी ढाबे पे आइए, बटर चिकन, चिली चिकन और इन जैसे बहुत मजेदार आइटम खाकर खुश हो जाइए। सलमान की ये बात सुनकर वहाँ पर बहुत सारे फूड लवर खाना खाने के लिए जमा हो गए। अरे सलमान भाई, 25 रोटी, 1 बटर चिकन, 1 चिकन मलाई और 8-9 ग्लास लस्सी के ले आओ, और वो भी 5 मिनट में फटाफट, बड़ी भूख लगी है। मेरे लिए भी 20 रोटियां, चिकन शाशलिक, चिकन कढ़ाई और मटन कोरमा जल्दी से ले आओ। देखें सर, मैं 20-20 रोटियां आप सबको एक साथ नहीं दे सकता, मैं 3-3 4-4 करके आप सबको देता हूँ। हाँ हाँ, ले आओ, जैसे तुम चाहो वैसे ले आओ। और फिर सलमान 4-4 रोटियां करके सबको देने लगा। अभी सलमान रोटियां रख कर पीछे मुड़ा ही था कि सब ने रोटियां फटाफट से खा ली। सलमान देखता ही रह गया, और फिर वो दोबारा रोटियां देकर मुड़ा ही था कि इन पहलवानों ने वो भी खत्म कर दी। ये देखकर सलमान हैरान रह गया। सलमान पहले ही दिन गांव के हालात समझ गया था और कहने लगा, मैं तो पागल हो जाऊंगा, इस तरह अगर पेटू लोग खाना खाते रहे तो तौबा तौबा, इस गांव में तो कोई कारोबार नहीं करना मैंने। फिर वो अपना सारा सामान उठाकर गांव छोड़कर चला गया। सलमान की तरह बहुत से लोग इस गांव में खाने का कारोबार करके थक गए थे, लेकिन कभी किसी की दाल न गली। फिर एक दिन वहाँ के सरदार के बेटे का दोस्त डक्की भाई शहर से इनके गांव में आता है। वाओ। कुछ दिन गांव में गुजारने के बाद डक्की भाई ने अपने दोस्त से पूछा, अरे यार मुझे एक बात तो बताओ, मैंने देखा है तुम्हारे गांव में कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट क्यों नहीं है यार? मेरा बड़ा दिल कर रहा है कसम से चीजी सा स्पाइसी सा बर्गर खाने को यार। अरे यार डक्की भाई, यहाँ के पेटू लोग बहुत ज्यादा खाते हैं भाई, जिसकी वजह से यहाँ कभी किसी का फूड कारोबार नहीं चलता। ये सब सुनने के बाद डक्की सोचने लगा, और कुछ देर सोचने के बाद बोला, यार मेरे जहन में ना एक आइडिया आया यहाँ पे कारोबार करने का। यार डक्की, अगर तूने कोई कारोबार करना ही है तो कहीं और कर ले,
यहाँ गाँव में तेरी दाल नहीं गलनी। अरे भाई तुम मेरे आइडिया को समझो, कौन सा बिजनेस करना चाहते हो यहाँ? भाई मैं करूँगा बर्गर का बिजनेस। हैं, बर्गर का बिजनेस? लगता है तुझे MBA की पढ़ाई के बाद उल्टा असर हो गया है। वो गाँव के पेटू लोग बर्गर को चॉकलेट की तरह निगल जाएंगे। तो छोड़ यार मेरा प्लान सुन बस चुप करके। फिर डक्की भाई ने अपना प्लान पूरा फहीम को बताया। फिर दिनों बाद डक्की भाई ने अपने दोस्तों की मदद के साथ अपना एक खूबसूरत सा रेस्टोरेंट ओपन कर लिया और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर सबको बुलाने लगा। ओ आओ भाई आओ, अपना मन पसंद बर्गर खाओ, वाइल्ड माइल्ड चिकन बर्गर, भूखा बर्गर, वैशी बर्गर, जालिम मशरूम बर्गर, ओ कातिल अंडे वाला बर्गर खाओ, आओ जी आओ। देखते ही देखते बहुत से पेटू लोग वहां पर जमा हो गए। ओ ये भी कोई कारोबार है? ओ ये तो दो दिन में उल्ट पुल्ट हो जाएगा। तो क्यों भाई डक्की, ये कैसे नाम है बर्गर के? ऐसे पहले तो कभी नहीं सुने हमने। ओ यही तो खासियत है इन बर्गर में, और आज तक आपने ऐसे बर्गर कभी नहीं खाए होंगे। ठीक है ज्यादा बातें ना बनाओ, फटाफट वैशी बर्गर लेके आओ। डक्की भाई ने अपने दोस्तों को आवाज दे के बुलाया। ओ ले आओ भाई ले आओ बर्गर। डक्की भाई के चारों दोस्त एक जायंट बर्गर उठा के ले आए। जब जायंट बर्गर लाकर टेबल पे रखा तो सब पहलवान हैरान हो गए। ओ ये क्या है इतना बड़ा बर्गर? ओ सर जी यही तो खासियत है हमारे बर्गर की, यहाँ जायंट बर्गर ही मिलते हैं। अब पता चला है आपको कि इसका नाम वैशी बर्गर क्यों रखा है? सब पहलवान मिलके उस जायंट बर्गर को खाने लगे और फिर एक के बाद एक पहलवान खाकर फुल हो गया। अरे यार डक्की तेरा प्लान तो सच में काम कर गया। आए आए, अब आएगा मजा। मैं तो नहीं खा पाऊंगा, मेरा पेट तो फट जाएगा, मैं तो चला अपने घर। और फिर गांव में उस दिन के बाद से बहुत सारे लोगों ने अपना अपना बिजनेस शुरू कर दिया। सब लोग जो भी खाने का कारोबार करते जायंट साइज का ही करने लगे। जैनब के पापा गए PSL देखने। अर्शद साहब काम से घर आए और आते साथ अपनी बीवी से बोले, बेगम आज बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को ले आए। अभी लाई जैनब के पापा। ये कहकर वो वहाँ से चली गई और अर्शद साहब मैच देखने बैठ गए। पापा जी आपका तो मजे पर कोई रो भी नहीं है, आपकी लाख मना करने के बाद भी वो आपको जैनब के पापा कहती है। मैं कुछ कहूं और आपके मम्मा ना माने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पापा जी अगर ऐसा ना हुआ तो आपको हमें PSL दिखाने शहर लेके जाना होगा। सोच लें। मसला ही कोई नहीं पाई, मैं अभी बात करता हूं आपके मम्मा से, आज से वो मुझे दुआ के पापा ही कहेंगी, देखना। थोड़ी देर बाद वो खाना लेकर आई। बेगम आज से बल्कि अभी से आप मुझे दुआ के पापा ही कहेंगी, मैं आज के बाद आपके मुंह से जैनब के पापा ना सुनूं। ठीक है जैनब के पापा। ये सुनकर दुआ खुशी से नाचने लगी। यस, हम मैच देखने जाएंगे, हम मैच देखने शहर जाएंगे। बेगम आपकी वजह से अब मुझे सबको मैच दिखाने शहर लेकर जाना होगा, आप भी हद करते हैं, कह देते एक बार दुआ के पापा। सॉरी जैनब के पापा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैच के दिन। दुआ बेटा आप तैयार हो गई हो और ये आपके मम्मा कहीं नजर नहीं आ रहे, कहाँ है वो? पापा जी देखिए सबसे पहले मैं तैयार होती हूँ और ये मामा जी हैं जो सारा टाइम मेकअप करने में लगा देते हैं। इतने में उनकी बेगम भी वहाँ पे आ गयी। बेगम आप भी ना,
कितना टाइम लगा दिया तैयार होने में, भला आपको मेकअप की क्या जरूरत। जैनब के पापा, आपको किसने कहा कि मैं मेकअप कर रही थी? ये जरूर दुआ के ही काम है। पापा जी, मामा जी झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने ही मेरा मेकअप किया है, ये देखें। ओहो, अच्छा अच्छा जल्दी चलें, शहर जाने में पता नहीं हमें कितना टाइम लग जाएगा। ये कहकर वो बाइक स्टार्ट करने लगे तो देखा कि बाइक की चाबी तो वहाँ थी ही नहीं। चलें जी, अब ये गाड़ी की चाबी कहाँ गई? दुआ, रात को आप खेल रही थी चाबियों के साथ, किधर रखी है चाबी आपने? पापा जी, मुझे नहीं पता, आपने वादा किया था कि लेकर जाएंगे, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो मेरे वाली पे चलते हैं। इतने में अरशद की नज़र दुआ की गाड़ी पर पड़ी जिसके साथ उनकी बाइक की चाबी लगी थी। दुआ बेटा, आप शरारतें करने से कब बाज आएंगी, ला के दे मेरी चाबियां वापस। फिर अल्लाह अल्लाह करके वो घर से निकले। कुछ दूर जाकर देखा तो पुलिस का नाका लगा हुआ था। इसकी कमी रह गई थी, ऐसे तो हम लेट हो जाएंगे, दुआ हम घर पे मैच देख लेंगे, आए वापस चलते हैं। नहीं पापा जी, मुझे मैच देखना है और स्टेडियम में ही देखना है। बहुत देर इंतजार करने के बाद वहाँ से निकलकर आगे चले। वो जंगल से गुजर रहे थे कुछ दूर जाकर उनकी बाइक का टायर पंचर हो गया। या अल्लाह, अब क्या करें हम, इसको भी इधर ही पंचर होना था, ऐसे सुनसान जंगल में कोई मैकेनिक भी नहीं मिलने वाला। पापा जी, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। इतने में उनको एक बैलगाड़ी आती नजर आई। भाई साहब, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? ओ जी, मदद तो मैं नहीं कर सकता, मगर आपको शहर छोड़ सकता हूँ, वहाँ आपको कोई ना कोई मैकेनिक मिल ही जाएगा। भाई साहब, आप तो फरिश्ता बन कर आए हैं, अल्लाह आपको जजाए खैर दे। ये कहकर वो गधा गाड़ी में बैठ गए। शहर पहुंचकर बाइक ठीक करवाई और अल्लाह अल्लाह करके आखिरकार स्टेडियम पहुंच ही गए। स्टेडियम के गेट पर गार्ड्स ने उनको रोक लिया। भाई साहब, हमें जाने दो, हम बहुत मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचे हैं। आप वही अरशद है ना जो वीडियोस बनाते हैं, वही जैनब के पापा? अरशद ने अपना हाथ सर पे दे मारा। अरे भाई साहब, इसी जैनब के पापा की वजह से आज मैं यहाँ पे स्टेडियम के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी जाने दें वरना हमें सीट नहीं मिलेगी। मेरे होते हुए परेशानी कैसी सरकार, आए मैं आपको पवेलियन में जगह दिलवाता हूँ। फिर क्या था, वो लोग मजे से पवेलियन में बैठकर मैच देखने लगे। और तो और, उस दिन लाहौर की टीम भी जीत गई। राणा फवाद भी खुशी से नाचने लगे। नच दे फुवारे और आवी दे नजारे, रंगीन चरों के दम 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 दम, बोलो मस्त कलंदर।